हेलो गाइस, आज मैं आपको पेंटिंग्स के लिए फ्री में यानी कि बहुत कम खर्चे में घर के सामान से ही पेंटिंग्स का बोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं ये आपको सिखाऊंगी। देखो, ये मेरे पास पुरानी कुर्ती पड़ी हुई थी, इसमें से मैं एक पेंटिंग के बोर्ड के हिसाब से मैं फैब्रिक का टुकड़ा लेती हूँ और ये बोर्ड पड़ा था इसमें लगाऊंगी। देखो, ये फैब्रिक कॉटन का होना चाहिए। देखो, इसके नाप के हिसाब से मैं ये वेस्ट कुर्ती में से मैं थोड़ा सा फैब्रिक का टुकड़ा लूंगी। देखो, ऐसा करके मैं यहां से काट लेती हूँ। अब मैं फैब्रिक ग्लू एक बाउल में लेती हूँ। देखो, इनमें से देखो, ये ग्लू में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। ये बाहर की तरफ भी हम लगा सकते हो और ये मैं अंदर की तरफ लगाने वाली हूँ। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ मैं अब लगाऊंगी, क्योंकि मैं ये पेंटिंग का बोर्ड तैयार कर रही हूँ। ये पेंटिंग्स में सिरामिक पेंटिंग के लिए बोर्ड तैयार कर रही हूँ, इसलिए ये ग्लू में अंदर लगाऊंगी। अगली बार मैं ऊपर बोर्ड के ऊपर भी कैसे फैब्रिक लगाते हैं ये भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी। ये वेस्ट फैब्रिक में से वेस्ट फैब्रिक को कोई भी अच्छा सा कॉटन होना चाहिए। ये पेंटिंग के बोर्ड में कॉटन ही लगाना चाहिए, इसलिए फैब्रिक हमेशा कॉटन होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और एक ग्लू में बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालें, वरना ये हार्डबोर्ड सैंडविच जैसा हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है बहुत कम समय में। देखो, इससे इससे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। आपके पास जो भी ग्लू हो वो चलेगा, सिंपल फेविकोल है तो भी चलेगा। देखो, पूरी तरह से अच्छे से ग्लू लग चुका है। अब वो फैब्रिक का टुकड़ा मैं इनके ऊपर चिपका दूंगी। देखो, अच्छे से ये फैब्रिक चिपक जाना चाहिए, इनमें रिंकल नहीं रह जाए, वो खास ध्यान रखें।
देखो अच्छे से लगा लेती हूँ। बॉर्डर अच्छे से फिट करना है। देखो यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक बाहर निकल रहा है तो उसे मैं काट देती हूँ। फिर वापस अच्छे से गम लगा के चिपका देना। देखो आपका बोर्ड रेडी हो गया है पेंटिंग के लिए। अब इसको सूखने देती हूँ। थोड़ा सूख जाने के बाद आप पेंटिंग कर सकते हैं इनके ऊपर। हो गया है।